हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। जी हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो ये आपका जो है आपसे रिलेटेड है, आपके DBPHT से, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपका जो DBPHT है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि आपके बहुत सारे ये भी डाउट्स हैं कि D1 D5 का मतलब क्या हुआ, तो इसमें सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ वहाँ जो है अपना ये जो नोटिस है वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आज ही जारी की गई है, आप देख सकते हो 22 नवंबर, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी DBPHT है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका फिजिकल में आपका हाइट, अगर बॉयज है तो हाइट प्लस आपका चेस्ट, अगर गर्ल्स की बात करें तो वहीं हाइट प्लस वजन जो है आपका मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप देख सकते हो कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, अभिलेख मतलब कि जो आपके दस्तावेज हैं, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो शारीरिक मानक परीक्षण दिनांक 18/11/2019 से कराया जाना है, ठीक है। मतलब कि 11 नवंबर से जो आपकी DBPHT है वो स्टार्ट हो गए हैं, हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए प्रथम चरण में D1 से D5 आप देख अगर आप मेरिट लिस्ट देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि आपके D1, D5, D6 ऐसे लिखकर शो हो रहा है। D1 मतलब कि मतलब जैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो उनको प्रथम चरण में मौका दिया जाएगा DBPHT, जैसे गर्ल्स हो गई, ठीक है, और जो भी होमगार्ड्स मतलब जो भी हैं अदर, ठीक है। और जो लड़कों की आपकी मतलब DBPHT कराई जाएगी वो D5 के बाद जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको कराया जाएगी। मतलब कि प्रथम चरण में जो है वो पहले लड़कियों का ही होगा। देख सकते हैं अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनर्ति बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक, और आपके एडमिट कार्ड जो है वो 25 नवंबर से जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा DBPHT के 2 दिन बाद जो है आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप आकर इजिली डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप दे देंगे, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो मतलब कि अब यहाँ देखिए D5 के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु एडमिट कार्ड अपलोड किए जाने की सूचना शीघ्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी बोर्ड को जो है प्रतिदिन देखते रहें, इसमें बोला गया है कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसे डेली देखते रहें ताकि आपसे कोई भी सूचना जो हो वो मिस ना हो। तो बस आपको इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके ज्वाइनिंग तक बिल्कुल आपके साथ तैयार रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि क्या होता है DB and PHT में और क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस मुझे आप सभी को यही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।